और उस माह मुबारक रमजान में
शब-ए-कदर को इसीलिए रखा गया है कि एक रात में 80 साल की इबादत का सवाब, पूरी जिंदगी में इंसान जो कुछ हासिल कर सकता है वो एक रात में हासिल कर, इतना ज्यादा अपने से गुरबत हासिल करने का रास्ता कोई और फराहम नहीं कर सकता है। जिसको जिस दिन से इंसान को अपनी बंदगी का ख्याल हो जाएगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उस दिन तमाम बंदगियों से उसे निजात मिल जाएगी। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को, उसे अल्लाह के सजदे पर अगर यकीन के साथ सजदा कर दिया जाए तो दुनिया में हरेक की गुलामी से इंसान को निजात। मुश्किल ये कि हम सबकी गुलामी करते हैं, अल्लाह की उबूदियत, अल्लाह की बंदगी जो चाहते हुए और ना चाहते हुए भी हमारे लिए साबित है, हम उससे फरार करना चाहते। अमीरुल मोमिनीन अलैहि तहियत व सलाम का करिश्मा और कमाल यह है कि खुद भी खुदा के बंदे थे और दूसरों को भी खुदा की बंदगी की तरफ ले जा रहे। अमीरुल मोमिनीन अपने वजूद में सब कुछ रखने के बावजूद अपनी बंदगी पर नाज करते थे कि हम खुदा के बंदे हैं। और खुदा का जो बंदा होता है वो सबसे मोहब्बत करता है, सबको एक निगाह से देखता है, इज्तिमाई जिंदगी, सबको अच्छाई की तरफ लाना चाहता है इज्तिमाई जिंदगी में। वो खुद गरज नहीं होता है कि खुद अच्छा बने, बल्कि दूसरों को भी अच्छा बनाना चाहता है, दूसरों को भी खुदा का बंदा बनाना चाहता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जो लोगों को दुश्मनी हुई, उस दुश्मनी का सबब ही यही था, वो दूसरों को अच्छा बनाना चाहते। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन शहीद अदालत करार पाए। जिसको अदालत से मोहब्बत होगी, जिसको इंसाफ से मोहब्बत होगी, उसको अमीरुल मोमिनीन से इश्क होगा। जिसको खुद भी अच्छा बनने की तमन्ना होगी और दूसरों को भी अच्छा बनाने की तमन्ना होगी, वो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत। माल दुनिया की बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन की निगाह में कोई बाकमाल नहीं था, खुदा से तकर्रुब की बुनियाद पर, खुदा के नजदीक होने की बुनियाद पर, तक्वा इलाही की बुनियाद पर, गुनाहों से बचने की बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन की निगाहों में लोग बावकार और बाकमाल हुआ करते थे। अगर हम अमीरुल मोमिनीन की शहादत के जमाने में इस रास्ते को इख्तियार करें कि हम दूसरों के लिए अच्छाई का रास्ता फराहम करें, बलो मेरे शख्सी मुनाफे और शख्सी फवायद को नुकसान पहुंचे लेकिन हम 10 लोगों को फायदा पहुंचा सकें, जिसके दिल में ये मोहब्बत ईजाद हो जाएगी, फिर उससे बड़ा कवि और उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसे लोगों को आजमाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिसके दिल में अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत बैठ जाएगी, अदालत की मोहब्बत बैठ जाएगी, दूसरों को खुदा तक ले जाने की मोहब्बत बैठ जाएगी, दूसरों को अल्लाह की तरफ ले जाना चाहेगा कि जब मूसा जैसे नबी से खुदा ने पूछा, मूसा तुमने मेरे लिए क्या काम किया, अल्लाह तेरे लिए नमाज पढ़ी, तेरे लिए रोजा रखा, तेरे लिए इबादतें अंजाम दी, वो सारे काम तुम्हारे काम आने वाले, रोजा तुम्हारे लिए जहन्नम से सिफर है, नमाज तुम्हारे लिए कल वहां काम आएगी, सदका तुम्हारे लिए जन्नत में चिराग का काम अंजाम देगा, खबर में चिराग का काम अंजाम देगा,
मेरे लिए क्या किया। खुदा तू ही बता दे तेरे लिए क्या किया जा सकता है। कहा ये बता दो किससे किससे मेरी खातिर मोहब्बत की, किससे किससे मेरी खातिर दुश्मनी की, किससे मेरी मोहब्बत में तुमने मोहब्बत की और कितनों को तुमने मेरा बनाया, कितने लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत ही जाती। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब किसी के दिल में उतर जाती है और अदालत की मोहब्बत उतर जाती है तो फिर मर्द तो मर्द है, औरतों में भी वो शुजाअत ईजाद हो जाती है जिस पर हजारों मर्दों की शजाअत कुर्बान हो जाती है। अगर अमीरुल मोमिनीन की अदालत में आप मोहब्बत दिल में उतर जाए, आप देखें अमीरुल मोमिनीन की चाहने वाली खातून है, चार बेटे जंगे सिफीन में शहीद हुए हैं, रास्ते में जा रही है, अमीर शाम बुलवाता है और कहता है अली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। कहा वो क्या अच्छा नहीं किया, देखिए औरत की दुखती रग उसकी औलाद होती, अली ने तुम्हारे चारों बेटों को कत्ल करवा दिया। कहा चार की क्या बात है अल्लाह, और अगर इससे ज्यादा मुझे देता तो मैं उन्हें भी अली पर कुर्बान कर देती। दुखती हुई रग पर हाथ नहीं रखने दिया, अपनी कमजोरी पर हाथ नहीं रखने दिया। अब जब देखा कि ये जज्बात के बहाव में बहने वाली नहीं है तो उसको माल से आजमाया, कहा इसको सुर्ख बालों वाली और सुर्ख आंखों वाली 100 ऊंटनियां दे दो। सुर्ख बाल और सुर्ख ऊंट आंखों वाली उठनियों मतलब आप समझते हैं, इस जमाने की जो बेहतरीन कार हो, कौन है हम नहीं जानते, जो भी आप फर्ज कर वो आप किसी को तोहफे में देते हैं। फिर आप देखिए वो कैसे आपके चश्मों आबरू का हासिल हो जाता है, फिर सारा इस्लाम आपकी और उसकी आंखों की गर्दिश पर होगा, हर चीज की तो आप कितने ही बेदीन हो, आप कितने ही बेदीन हो, एक कार किसी को ऐसी तोहफा में दे दीजिए तो फिर देखिए वो आपकी कैसे तौजीह करता है, फिर सारा दिन उसी पर कुर्बान है। जो आज के जमाने की बेहतरीन कार और बेहतरीन गाड़ी हो सकती है, उस जमाने का एक सुर्ख बालों वाला और सुर्ख आंखों वाला ऊंट एक ऐसा होता। ऐसे ऐसे 100 ऊंट, अब इससे ज्यादा क्या दे सकता है। और अब देने के बाद आप देखें, कल मैंने अर्ज किया था अमीरुल मोमिनीन ने यह दावा किया कि लौ दरबतु खैशुम अल-मोमिन बिसैफी हादा अला अन युबगदनी मा अबगदनी, मैं अगर नाक के ऊपरी हिस्से को मोमिन के अपनी इसी तलवार से काट दूं और कहूं मुझसे दुश्मनी कर तो मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। अली का चाहने वाला इसलिए अली इब्ने अबी तालिब अलैहि आला को तहियत व सना से मोहब्बत नहीं कर रहा है कि अली खाने को दे रहे, नहीं, बल्कि अदालत उसके दिल में इस तरीके से उतर गई है, वदियत हो चुकी है कि अली की तरफ से उसे कुछ भी ना मिले तब भी वो अली की मोहब्बत से दरेर नहीं करेगा। और जब तक कि ये किरदार नहीं आएगा, जरा जरा सी मुसीबत और जरा जरा सी परेशानियों पर जब बाबैला करने लगे इंसान, हम तो इतनी मजीजें करते हैं, हम तो इतने रोजे रखते हैं, हम तो इतनी नमाज पढ़ते हैं, हम तो फला करते हैं, फिर मुसीबत हम पर का है कि निपू अली के मरा वाली मुर्दा के रास्ते पर नहीं चल सकता है। ऐसी खातून चल सकती है जो चार बेटे अली के नाम में दे चुकी है, जो 100 ऊंटनी मिली है, और पलट के अमीर शाम पूछता है बता दारमिया क्या अली तुझे इतना माल दे सकते थे। अब बताइए जवाब क्या पूछता है, बता अली तुझे
इतना माल दे सकते थे, इतनी दौलत दे सकते थे, पलटे कहते हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अली कभी भी मुझे इतना माल दे ही नहीं सकते थे, इसलिए कि अली के बैतुल माल में माल बचता ही कब था, वो तो बैतुल माल से निकलते थे तो झाड़ू लगा के निकलते थे, सबको उसका हक दे के निकलते थे। ये तो तू है कि जो मजलूमों का हक गश्त करके रखता है और बक्सरे लोगों को खरीदने के लिए माल अता करता है। एक सलावत भेजिए शजात किसने दी जिसके सामने मर्दों को बोलने की जुरत नहीं थी, उसके सामने खातून मर्द मैदा की हैसियत से बोल रही है। ये वही अमीरुल मोमिनीन की अदालत मार मोहब्बत का असर है कि जिसने दारमिया को ही बोलने पर नहीं सुधा यमन की रहने वाली बेहतरीन शायरा अरब की बुसर ने अरतात के मजालिम है, वो कहती है मैं जा रही हूं और बुसर ने अरतात की माजूली का लेटर और नामा लेकर आऊंगी। बदतरीन इंसान बुसर इब्ने अरतात गई माविया के दरबार में, पूछी कहती है अमीर बुसर इब्ने अरतात को हटा ले। बुसर इब्ने अरतात को यमन से हटा ले वरना अपने कबीले के साथ तेरी मुखालफत में खातून है। आप देखिए अपने कबीले को लेकर आऊंगी तेरे खिलाफ। अमीर शाम जो मर्दों से इतने कवी लहजे में सुनने का आदि नहीं था, एक खातून से ऐसे लबु लहजे का उसे इंतजार नहीं था। कहता है सुधा तू क्या समझती है, तेरा बाल मुंडवा के ऊंट पर सवार करके तेरे कबीले के दरमियान तुझे घुमा। सुधा रोने लगी, कहता डर गई, इतनी सी बात से डर गई। कहती है नहीं अमीर मैं डरी नहीं हूं, मुझे एक जमाना याद है, मैं ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अली उस वक्त नमाज के लिए जा रहे थे और मैंने उनके सामने यही दरख्वास्त की थी कि आपका एक गवर्नर है हमारे इलाके में जो हमें सता रहा है। उस वक्त में अली ने आसमान की तरफ रुख किया था और कहा था मेरे अल्लाह गवाह है ना, मैंने किसी ऐसे को तेरे बंदे पर नाफिज नहीं किया है जो तेरे बंदों को सताए, और मुझसे मेरी वो दरखास्त ली और वहीं पर मोहर लगा के वहीं पर कि ये शख्स माजूल है तावक्ते के दूसरे। जैसे ही वो सुनता है अमीर शाम देखिए अंदर वजी कहता है ए सूदा क्या तू समझती है कि फकत अली ही आदिल थे, मैं भी कुछ कम आदिल नहीं हूं। देखें जब मैंने बुसर इब्ने अरतात को माजूल किया बाद उसकी मुकम्मल हो गई थी, उसे अपना मकसूद हासिल हो गया था, वो यहां से चली जा सकती लेकिन नहीं गई। यहीं पर वो मौका था जहां पर अली की मोहब्बत का इजहार था, यहीं पर वो मौका था जहां बादी की आंखों में आंखें डालकर बात करने का मरहला था। जैसे ही उसने कहा जब मैं भी कोई कम आदिल नहीं हूं, मैंने बुसर इब्ने अरतात को माजूल कर दिया, वैसे ही उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए
का खुदाया तेरा शुक्र, तूने कैसी जात को पैदा कर दिया। जब तक जिंदा रहा दुनिया में अदालत फैलाता रहा, जब कब्र के अंदर चला गया तो उसका नाम दुनिया में अदालत को फैला रहा है। एक सलावात भेजिए मोहम्मद। खुदा से तकर्रुब कहां से हासिल होगा? इस खुदा से तकर्रुब का नतीजा क्या होता है? इंसान को मिलता है, इंसान खुदा का बंदा बन जाता है। और जब इंसान अपने आप को अपने खुदा की जात में फना कर देता है, खुदाई को भूल जाता है, बंदगी को याद रखता है, तो उसकी मिसाल तौहीद की मिसाल हो जाती है। अजब मन, उसकी मिसाल सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल हो जाती है। जब जात इस हद तक पहुंचती है कि अपने आप को तौहीद इलाही में फना कर देती है, अल्लाह की वहदानियत के लिए कुर्बान कर देती है, तो अमीरुल मोमिनीन की सूरत में वो जात तौहीद की मिसाल बन जाती है। ये सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, इसकी अहमियत जो रोजाना नमाज में पढ़ा जाता है, ये क्या है? आप उठाकर इसके सिलसिले में रवायतों को देखें तो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद को कुरान का नसबनामा, अल्लाह का नसबनामा, लोगों का नसबनामा होता है ना, बाप दादा परदादा ये सब होते हैं, अल्लाह का नसबनामा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, सूरह तौहीद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह अल अज़ीज़ अल जब्बार अरजा बिनबीही इला समाईही। जब खुदा बंदे आलम अपने नबी को ले गया मेराज अता की, तो फरमाया इक्रा कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कीजिए, कमा अनज़ल, जैसे कि नाजिल हुआ है, फइन्नहा निस्बती व नअती, ये मेरी तारीफ और मेरी निस्बत है, मेरा नसब है। कुल हुवल्लाहु अहद की खसूसियत यह है कि इसमें एक कलमा ऐसा कलमा है कि अगर लोगों के पास इल्म होता तो इसी एक कलमे से पूरे दीन को समझा जा सकता था। अल्लामा अमीन ने क्या कहा? अगर हमारे तमाम किताबखाने जला दिए जाएं, हमारी तमाम किताबें जला दी जाएं, हमारी तमाम लाइब्रेरीज को खत्म कर दिया जाए, फकत कुरान रहे, तो हम उससे विलायत अली इब्न अबी तालिब को साबित कर सकते हैं। एक सलावात भेजिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लामा अमीनी के इल्म की हद है, लेकिन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम हद यह है कि फरमाते हैं कि सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में एक कलमा ऐसा है जिसमें पांच हरूफ हैं। वो कौन है? अस्समद। अस्समद खमसत अहरुफिन, समद में पांच हरूफ हैं। फल अलिफ दलीलुन अला इन्नियतही, असमत में जो अलिफ है वो अल्लाह की हकीकत पर दलालत करता है। वहुवा कौलुल्लाह अज़्ज़ा जल शहदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अलिफ जो असमत में है वो गवाही है इस बात की कि अल्लाह की हकीकत ये है कि उसके अलावा कोई लायक परस्तिश और लायक इबादत नहीं। वल्लामो दलीलुन وَذَلِكَ تَنْبِيهٌ وَإِشَارَةٌ إِلَى الْغَائِبِ، अंदर की हवास। अल्लाह का जो अलिफ ला इलाहा इल्ला हु, ये जो हु की जमीर है इस बात की दलालत कर रही है कि उसकी हकीकत तक कोई पहुंच नहीं सकता है। वद्दालो, आप देखें, वल्लामो दलीलुन अलल हया वल हैबा, और लाम जो असमत में है वो उसकी हैबत पर दलालत करता है। वह अम्मा सादो फदल
دليل على انه عز وجل صادق اور جو اس میں صاد ہے صمد میں وہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ صادق ہے وقوله صدق اس کا کہا ہوا کلام سچا ہے وکلامه صدق اور وہ جو بات کرتا ہے وہ کلام سچا ہے ودعا عباده الى اتباع الصدق اور اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ سچائی کی پیروی کرو جھوٹ کی طرف نہ جاؤ ووعد بالصدق دار الصدق اور اس نے سچائی کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں لے کر جائے گا واما المیم فهو دلیل علی ملکہ اور صمد میں جو میم ہے وہ اس کی حکومت کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کی قدرت کے اوپر دلالت کرتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے واما الدال اور دال جو ہے فدلیل علی دوام ملکہ دنیا کے کتنے حکمراں ہیں جن کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ختم ہو گئی کتنے تاج پہ جو آج چھوکروں میں دکھائی دے رہے ہیں کتنے محل پہ جو آج کھڈر کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام و نشان موجود تھا لیکن آج تک ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے کتنے ایسے ظالم و جابر ہیں جن کی تلواروں سے ہمیشہ خون ٹپکتا رہتا تھا آج ان کی تلواروں کا پتہ نہیں ہے آج ان کی حکومتوں کا پتہ نہیں ہے آج ان کی دولتوں کا پتہ نہیں ہے آج ان کی سروتوں کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ خدا کہ جس کا ملک جس کی حکومت ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی جب کوئی نہیں تھا تب بھی تھی جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی رہے گی ایک صلوات بھیجیے محمد لو وجد تو محمد کا درد علم ہے امیر المومنین کا درد علم ہے جتنا ہم علم کے راستے پر آگے بڑھیں گے اتنا جاہلوں کی چودراہٹ سے ہمیں نجات ملے اور جب تک ہم جاہل رہیں گے تب تک جاہلوں کی چودراہٹ ہم پر قائم رہے گی تب ہمات کے ہم شکار رہیں گے ہمیں ذرا ذرا سے چیزوں پر بھڑکا دیا جائے گا ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جائے گا ہمارے بھولے پن سے کھیلا جائے گا یہ علم ہے جو انسان کو حقیقتوں کی طرف لے جاتا ہے لو وجدتو لعلمی الذی آتانی اللہ عز وجل حملتن اگر میں پاتا کسی کو اپنے اس علم کا حامل اپنے اس علم کو برداشت کرنے والا جو میرے اللہ نے عطا کیا ہے لَنَشَرْتُ التَّوْحِيدَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَالدِّينَ وَالشَّرَائِعَ مِنَ الصَّمَدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پورے سے نہیں فقط کلمہ صمد سے جو اللہ الصمد میں ہے اس سے اسلام کو سمجھا دیتا دین کو سمجھا دیتا شریعت کو سمجھا دیتا قرآن کو سمجھا دیتا ایمان کو سمجھا دیتا لیکن افسوس کہ کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ جو تحمل کر سکے کہ کلمہ صمد میں کیا پوشیدہ ہے اور یہ درد فقط میرا درد نہیں ہے یہی درد امیر المومنین کا بھی درد تھا یہی درد وَكَيْفَ لِي بِذَالِكَ اور کیسے میرے پاس ایسے لوگ پا سکتے ہیں وَلَمْ يَجِدْ جَدِّي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ میرے جد امیر المومنین کو بھی کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس کو اپنا یہ حتّٰ كَانَ يَتَنَفَّسُ الصَّعْدَ وہ کنویں کے باہر کنویں میں جا کر فریاد کرتے تھے اور اپنا علم وہاں منتقل کرتے تھے اور ممبر پر کہتے تھے سلونی قبل ان پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے کیا ہے اس سورہ قل ھو اللہ احد میں کہ شیطان سب سے زیادہ سورہ قل ھو اللہ احد سے گھبراتا ہے کیا ہے کہ سمعت امیر المومنین یقول من قرا قل ھو اللہ احد احدی عشر مرہ فی دبر صلاۃ الفجر جو روزانہ نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا لم یتبعہ فی ذالک الیوم زنبور تو اس کے پیچھے گناہ نہیں چلے گا ولو شیطان اپنی ناک رگڑ کے رہ جائے شیطان
परेशान हो जाए कि हम इसको गुनाह में मुलव्विस कर दें, लेकिन जो 11 मरतबा रोजाना सूरह कुल अल्लाह पढ़ लेगा वो गुनाहों में मुलव्विस नहीं हो। क्या है सूरह में, इस सूरह में इतनी खसूसियत क्यों है, इस सूरह की खसूसियत क्या है, क्यों ये सूरह इतनी अहमियत रखता है? इसलिए रखता है कि ये सूरह अमीरुल मोमिनीन का महबूब सूरह है। सरकार ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का महबूब सूरह सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है। अन इमरान इब्न हुसैन अन नबी, इमरान इब्न हुसैन रावी हैं कि पैगंबर अकरम ने लोगों को एक सरिया भेजा, गजवा हो जंग है जिसमें रसूल अकरम शिरकत करते थे, सरिया या सरिया हो जंग है जिसमें रसूल अकरम शरीक नहीं होते, एक जंग में भेजा जिसमें रसूल खुदा नहीं थे, और उस जंग का अमीर अमीरुल मोमिनीन को बनाया। फलम्मा रजऊ, जब वो लोग पलटे तो पैगंबर अकरम ने रिपोर्ट मांगी कि भाई जंग में क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे अमीर थे तुम्हें कैसा लगा? सवाल है फकालू कुल खैर, सब बात अच्छी थी, फिर क्या मुश्किल थी? गैर अन्नहु करा बिना फी कुल सलातिन बिकुल हुवल्लाहु अहद, बड़ी मुश्किल थी अली के साथ, हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे, मतलब साहबी थे ना, रसूलुल्लाह का नया नया कुरान नाज़िल हुआ था ना, तो ये चाहते थे मतलब सूरह बकरा पढ़े, सूरह आले इमरान पढ़े, बड़ा बड़ा सूरह, ताकि देर तक नमाज हो, अल्लाह से ज्यादा नाम थे, मतलब यही मुश्किल थी, जहां खड़ा होते तो सूरह कुल अल्लाह आवाज पढ़ते थे। फकाला अली लिमा फालता हाजा, अगर इन लोगों ने कहा है, देखिए एतराज जो कहते हैं कि बुरी चीज नहीं है, एतराज अच्छी चीज है अगर सलीके से किया जाए, तो खुलकर जो पोशीदा राज है वो खुलकर सामने आते हैं, अगर सलीके से एतराज किया जाए तो कितने पोशीदा राज हैं जो खुल के सामने। अगर ये एतराज करने वालों ने ना किया होता, कुरान का सूरह ही तो है कुल अल्लाह, इसमें कौन से एतराज की बात थी, लेकिन नहीं, एतराज हुआ तो अब सामने आई बात, यानी लेमा फालता हाजा, यानी आपने ऐसा क्यों किया? फकाला लहुबी लकुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी अल्लाह मुझे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद से इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए मैंने ऐसा किया, हर नमाज में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा। चलिए मोहब्बत आई कहां से अली तुम्हारे दिल में? अब पैगंबर अकरम रब्बुल निसा हुए, फकाला लहुबी लकुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी अल्लाह चूंकि मुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है इसलिए मैंने ऐसा किया। फकाला नबी मा अहबबतहा हत्ता अहब्बकल्लाहु अज़्ज़ा वजल, ए अली सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं आई है, बल्कि इससे पहले अल्लाह ने तुमसे मोहब्बत की है, अल्लाह की मोहब्बत का असर है कि कुल हुवल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ गई है। एक सलावत भेजिए कहां तक जात पहुंची कि अल्लाह का हुक्म जब उसकी जात का हिस्सा बन गया, अपनी जात को जब अल्लाह की जात में फना कर दिया, अल्लाह हम सबसे मोहब्बत करता है, तो अब ये जात कहां पहुंची? बंदगी का नतीजा देखिए क्या होता है, माह रमजान खुदसाजी का महीना है, तकवे का महीना है, अल्लाह सब कुछ दे रहा है, अल्लाह को क्या देना है? ये जो एक सिलसिला है, या अली मदद बहुत अच्छी चीज है, हर वक्त या अली मदद इंसान को करना चाहिए, लेकिन दो तरफा काम है, जैसे हम अली से मदद के मुतमन्नी हैं,
वैसे ही अमीरुल मोमिनीन भी हमारी मदद का तकाजा रखते हैं। फकत या अली मदद कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि अली की मदद ना करेंगे। हम इतने बड़े हो गए कि अमीरुल मोमिनीन की मदद करेंगे, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? आज हम लोग पहला अमीरुल मोमिनीन, हाँ अमीरुल मोमिनीन की मदद, जो फरियाद है अमीरुल मोमिनीन की, इंसान कहां पहुंचेगा जब इंसान अल्लाह की मदद, अल्लाह अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा, जो वादा वफाई करेगा अल्लाह उसके लिए वादा वफाई करेगा, कुरान कह रहा है। इंसान जब बंदगी में अपने आप को फना कर देता है, अल्लाह का हो जाता है, तो उसकी मिसाल तौहीद की मिसाल हो जाती है। वो जात तौहीद की मिसाल के दर्जे पर पहुंच जाती है, बंदगी उसकी ऐसी हो जाती है। या अली, قال رسول الله لأمير المؤمنين, امیر المؤمنین سے بتایا مثالوں کا مثلو قل هو الله احد, اے علی تمہاری تمثیل تمہاری مثال قل هو الله احد کی مثال ہے۔ کس چیز میں مثال ہے؟ کس چیز میں مثال ہے؟ فمن قرأها مرة, जिसने सूरह कुल अल्लाह को एक मरतबा पढ़ा क्या होगा? फकअन्नमा करा सुलसल कुरान, गया उसने एक सुकून कुरान पढ़ा। वमन करा मर्रतैन, और जिसने दो मरतबा पढ़ा उसने दो सुकून कुरान खत्म किया। वमन करा सलासा मर्रात, और जिसने तीन मरतबा पढ़ा उसने गोया पूरा कुरान पढ़ लिया। कज़ालिका, ये मिसाल है तुम्हारी, कज़ालिका मन अहब्बका बिकल्बिही, ए अली जो तुमसे दिल से मोहब्बत रखेगा, काना मिसलो सुलो से आमालिल इबाद, तो उसकी इस मोहब्बत का सिला सारी दुनिया में जितने इबादत गुजार हैं उसका एक सेकुन सवाब खुदा उसे देगा। जो दिल से तुमसे मोहब्बत करेगा, जो दिल में तुम्हारी मोहब्बत रखेगा, उसको अल्लाह ये सवाब देगा कि सारी दुनिया के जितने इबादत गुजार हैं उनकी इबादत का 1/3 हिस्सा उसके नामे आमाल में जाएगा। वमन अहब्बका बिकल्ब ही व बिलिसान ही, वमन अहब्बका बिकल्ब ही व नसरका बिलिसान ही, और ए अली जो तुमसे दिल से मोहब्बत करे और जबान से तुम्हारी मदद करे, जो दिल से तुमसे मोहब्बत करे और जबान से तुम्हारी मदद करे, काना लहू मिसलो सोलो से आमाली इबाद, तो उसका सवाब दुनिया में जितने इबादत करने वाले हैं उनका 2 सेकुन सवाब उसके नामे आमाल में जाएगा। वमन अहब्बका बिकल्ब ही व नसरका बिलिसान ही व यदे ही, काना मिसलो सवाब आमालिल इबाद, और ए अली जो तुमसे दिल से मोहब्बत करे, जबान से भी तुम्हारी मदद करे, अपने हाथ और जवारे से भी तुम्हारी मदद करे, तो उसको वो पूरा सवाब मिल जाएगा जो दुनिया में तमाम बंदगाने खुदा इबादत करते हैं। यानी अगर कोई अली से मोहब्बत करे, मोहब्बत के साथ जबान से मदद करे, जबान के साथ हाथ से मदद करे, किरदार से मोहब्बत करे, किरदार से मदद करे, तो सारी दुनिया के आमाल एक तरफ, ये अली की मोहब्बत और अली की मदद का सवाब एक तरफ। सलावात भेजिए मोहम्मद। मददगार की जरूरत कब? कहा? जब इब्ने हुनैफ से ये बात हुई, चले गए थे किसी
रंगीन दस्तरखान पर बैठने के लिए तुम चले गए। यबन अबी हुनैफ, इमाम मामून का कानून तो यह है कि जैसे इमाम करे वैसे मामून करे, अमल भी है या नहीं है सर? इमाम जमात नमाज में अगर आप जानबूझ के देर किया आपने, या जानबूझ के आप जल्दी चले गए आगे या पीछे, तो क्या हुक्म है? नमाज बातें। इब्ने अबी हुनैफ, कानून तो यह है कि जैसे इमाम करे वैसे मामूम करे, तो तुम्हारा इमाम क्या करता है? खाने की सूरत में बेकुरसे दो जौ की रोटियां, कपड़े की सूरत में दो लिबास। ऐसा नहीं मैं भूखा हूं, ऐसा नहीं मैं फकीर हूं, ये ना समझना। मैं चाहूं तो बेहतरीन गेहूं की रोटी खा सकता हूं, मैं चाहूं तो बेहतरीन शहद इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन लअल्ला फिल यमामत औ फिल यमन मन ला कुरसला। लेकिन अली इसलिए खाता है ऐसा कि शायद दूर दराज इलाके में कोई ऐसा हो कि जिसको एक टुकड़ा रोटी भी नसीब न हो, इसलिए खाता हो ताकि इत्मीनान की नींद सो जाए वो फकीर और गरीब जिसको खाने को नहीं है, कि अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो सारी दुनिया का मालिक मेरा आका और मौला भी ऐसा है कि जो कि टुकड़े रोटी के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम्हें जरूरत नहीं है ऐसी, हम चाहते भी नहीं है कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हें सलाहियत भी नहीं है ऐसी कि तुम इतने लिबास पर इतनी गजा पर जिंदगी, फिर क्या करो, फिर क्या करोगे? आईनूनी अली की फरियाद 19वीं माह मुबारक रमजान, अली की फरियाद इस 1438 हिजरी में, आईनूनी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, या अली मदद कहने वाले हो अली की मदद करो। कैसे मदद करो? बेइफ्फतिन, इफ्फतो पाकीजा किरदारी। देखो ना महरम पर निगाह करके अली की फरियाद में इजाफा मत करो। देखो फेसबुक पर कजाई साइट्स बना के और कजाई नाम से अली मुर्तजा की फरियाद में इजाफा मत करो। रात के सन्नाटे में अपने आप को अकेला शुमार न करो। दो हैं जो तुम्हारे नाम आमाल को लिखने वाले हैं, जो आज के अली को तुम्हारे नाम आमाल ले जाकर देते हैं, ले जाकर देते हैं तुम्हारे नाम इफ्फतिन वरइन। गुनाहों से बचकर मेरी मदद करो। वस्तदादिन, जब बोलो मुस्तहकम गुफ्तगू के साथ बोलो, जज्बात की बुनियाद पर बात ना करो, जोश की बुनियाद पर बात ना करो, वो बात करो जो मौला पसंद हो, वो बात ना करो जो तुम्हारे दिल को पसंद हो। वज्तिहादिन, मुसलसल कोशिश में लगे रहो, कहीं पर एंड तुम्हारी जिंदगी में ना आने पाए। जहां तुम्हारी जिंदगी में एंड आ गया, जहां तुम्हारी जिंदगी में खात्मा आ गया, वो अली का चाहने वाला नहीं हो सकता है। अली का चाहने वाला, आप जरा सोचिए, गौर कीजिए, किसी को 10 किलोमीटर दौड़ना हो, किसी को 5 किलोमीटर दौड़ना हो रेस, और किसी को 100 किलोमीटर दौड़ना हो, इन तीनों में फर्क क्या है? जो 5 किलोमीटर जिसको दौड़ना है उसके रेस का अंदाज कुछ और होता है, जिसको 10 किलोमीटर दौड़ना है उसका रेस का अंदाज कुछ और होता है, जिसको 100 किलोमीटर दौड़ना है वो कहीं पीछे भी रह गए तो पीछे नहीं माना जाता है, थोड़ी देर के बाद आगे निकल सकता है, कुछ देर के बाद फिर आगे निकल सकता है। जब तक के मकसद तक न पहुंच जाए उस वक्त तक कामयाबी का फैसला नहीं हो सकता है। दुनिया के जितने दीगर मजाहिब हैं उनका एम बहुत छोटा है, जितने भी रेस करने वाले हैं मजाहिब के एतबार से उनका एम बहुत छोटा है। आप देखें, इब्न अबी हदीब मोतजरी कहता है
कि अगर अली न होते तो न मालूम हो सकता था कि अर्श किसे कहते हैं, लौ किसे कहते हैं, कुर्सी किसे कहते हैं, अकले ये अली न होते तो कुछ नहीं मालूम होता। इसलिए कि सहाबा के जितने जुमले हैं वो या तो प्याज की हद तक है, या तो बैगन की हद तक है, या तो लहसुन की हद तक है, या तो इसकी तरह पेट से आगे किसी की बात नहीं बढ़ती है। पेट तक दौड़ने वाले का रेस 5 किलोमीटर के अंदर तक का है, लेकिन जो तौहीद के आला मराहिल तक पहुंचाने वाला है, जो लौ तक पहुंचाने वाला है, जो कुर्सी तक पहुंचाने वाला है, जो अर्श तक पहुंचाने वाला है, जो फखरे मलकूत बनाने वाला है, जो फखरे जबरूत बनाने वाला है, उसके चाहने वाले को मुसलसल दौड़ना होगा ताकि अली के रास्ते पर उसकी मौत आए, उसकी जिंदगी रहे। हमें मुसलसल रेस में रहना है, दौड़ना है ताकि उस औज सुरैया की गर्दे पाद पहुंच जाए कि जहां पहुंच गए तो फिर उसके बाद कोई अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अय्याम में हमें या अली मदद से आगे बढ़ के अली की मदद की फिक्र करनी है। अब वो भी दिल तक नहीं भगत, जबान तक नहीं भगत, जबान से भगत मदद नहीं बल्कि किरदार से मदद। और जब किरदार, ये आप ताजुब ना कीजिएगा, कोई हमें ताजुब कर ही नहीं सकता। अगर अली की मोहब्बत, उनकी मदद जबान से और उनकी मदद किरदार से, हाथ से, पैर से, यहां से मदद कैसे होगी भाई? यहां कभी भी जालिम की मदद के लिए ना उठे, अली की मदद है। ये हाथ मजलूम के लिए हमेशा मुदाफे रहे, ये अली की मदद है। ये पैर कभी बातिल की तरफ न बढ़े, अली की मदद है। ये पैर मजलूमों की मदद के लिए उठे, अली की मदद है। इसमें ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह पूरी दुनिया की इबादत करने वालों की इबादत का सवाब उसको दे दे, ऐसा नहीं, उसकी इबादत में कमी रहेगी दुनिया वाले। मिस्र का है मासूम ने इस हदीस में, पैगंबर अकरम ने, जितना सारी दुनिया वालों की इबादत का सवाब पूरी दुनिया का, वो तना उसको मिलेगा, उस जैसा सवाब पूरी दुनिया के अमाल का, जो अली की मोहब्बत, दिल से, जबान से मदद और किरदार से मदद। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, आप ताज्जुब न कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि अली का एक अमल ऐसा है कि जो दो जहां से अफजल है, एक अमल ऐसा है जो खुदा अली के एक अमल पर अगर खालिसतन लवजिल्ला हो, अल्लाह के लिए हो, एक अमल पर दो जहां की इबादत से अफजल का सवाब दे सकता है। ज़रबतो अलीन यौमल खंदक अफजलु मिन इबादत सकलैन, अली की एक दिन खंदक की ज़रबत दो जहां की इबादत से अफजल, तो वो खुदा ये भी कर सकता है कि जो अली के रास्ते की मदद करे, सारे दुनिया के लोगों की इबादत के सवाब उसको अता कर दे। एक सलावत भेजिए। बंदगी बंदे बन जाओ, देखो क्या मिलता है। क्यों जंगे खंदखी में ऐसा हो, आपने कभी गौर किया? क्यों जंगे खंदखी में ऐसा है? अपने मामी ने फकत जंगे खंदखी में डाल दिया। क्यों जंगे खंदखी में ऐसा है कि दो जहां की इबादत से हम, क्यों भाई, क्या करिश्मा है जंगे खंदखी, क्या फलसफा है जंगे खंदक में? जंगे खंदक का फलसफा क्या है? पैगंबर अकरम की हदीस, कुछ लोग पलट के आ रहे थे जंग से, खून बह रहा था, जिस्म से खून बह रहा था। फरमाया मरहबन बिकौमिन
मरहबा उस कौम पर जो पलट रही है जिहादे असगर करके, छोटा जिहाद करके, छोटा छोटा जिहाद। अब तो लोगों की आंखें पटी की पटी रह गई है, खून बह रहा है, जिस्म के टुकड़े हैं, तलवार से खून टपक रहा है, करे छोटा जिहाद है, आंखें फटेगी नहीं पड़ेगी। किला जहा रसूल बकिया अलैहिम जिहादुल अकबर, ये तो छोटा जिहाद करके आए हैं, अभी इनके ऊपर बड़ा जिहाद बाकी है, आंखें खुली की खुली रह गई। किला या रसूल अल्लाह वमल जिहादुल अकबर, ए रसूल अल्लाह जिहाद अकबर क्या है? या जिहाद बिन नफ्स, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, घर के दुश्मन से लड़ना मुश्किल है। जो तुम्हारे बातिन में दुश्मन है उससे मुकाबला, गुरूर से मुकाबला, तकब्बुर से मुकाबला, हसद से मुकाबला, माँ बाप की नाफरमानी से मुकाबला, रिश्तेदारों की से दूर दराज रहने से मुकाबला, ये सारी चीजों से मुकाबला वो है जो तुम्हें जिहादे अकबर का सवाब देगा। वो बाहर के दुश्मनों से लड़ना जिहादे असगर है। जंगे खंदक वो वाहिद जंग है जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने दो जिहाद का मुजाहरा किया है, और यहां से पता चला कि अमीरुल मोमिनीन की हर जंग में ये दोनों सिफतें रहती हैं, लेकिन मुजाहरा हुआ जंगे खंदक में, दो काम किया है। एक वक्त मुजाहरा किया है अमीरुल मोमिनीन ने जिहाद असगर का भी और जिहाद अकबर का भी, एक जंग मुजाहरा किया है, दिखाया है, दीगर जंगों में मौका नहीं आया, इसलिए मुजाहरे का वक्त नहीं आया। जब मुजाहरे का वक्त आया तो खुदा ने उसी मुजाहरे का सलाम दिया। जंगे खंडक वो वाहिद जंग है जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने अम्र इब्ने अब्द गुद के सीने पर सवार होकर उसकी बेअदबी के नतीजे में सीने पर से उतर के जिहाद अकबर का सवाब हासिल किया, और कहा मैं उतर गया इसलिए कि कहीं मेरा नफ्स शामिल न हो जाए, मुझे गुस्सा आ गया था उसकी बेअदबी पर, मैं खालिसतन लिवजहिल्लाह अमल अंजाम देना चाहता था, इसलिए मैं उतर गया, उतर के टहलने लगा ताकि नफ्स शामिल न हो, ताकि बशरी ताकत शामिल न हो, और फिर मैंने उसका सर कलम कर दिया ताकि जिहाद असगर का भी सवाब मिले। जंगे खंडक वो वाहिद जंग है जिसमें बलग वक्त अली मुर्तजा ने दो जिहाद का मुजाहरा किया, उतर के सीने पर से जिहाद अकबर का मुजाहरा, गला काट के जिहाद असगर का मुजाहरा। पैगंबर ने भी खुदा की तरफ से तबगा दिया, जरबतो अली यौम अल खंडक अफजल मिन इबादत अस्सकल है, सलावत दे दिए इतने दिन तक होश हवास में नहीं रह सकता जितने दिन अमीर नाक के ऊपरी हिस्से तक तलवार पहुंची, जो जहर में बुझी हुई थी, ऐसे माहौल में अपने होश को कंट्रोल में रखना खुदा की तौहीद की अलामत है जो अली के किरदार से बंदगी का असर। कितना है असर इस कारी जर्ब का,
कि अस्बग इब्न नुबाता कहते हैं जब मैं वारिद हुआ तो जिस्म इतना जर्द था अमीरुल मोमिनीन का कि जख्म को बांधने के लिए जो सफेद रुमाल और पट्टी बांधी गई थी उसकी जर्दी और चेहरे की जर्दी के दरमियान फर्क करना मुश्किल था। महसूस करते ऐसे माहौल अमीरुल मोमिनीन को घर लाया गया, घर लाया गया। ज़ैनबों में कोई सूट बेचे नहीं था, तड़प रहा है मेरा, चाहने वाले आ रहे, मोहब्बत करने वाले आ रहे और ये दायित फरियाद किया जा रहा है। कौन? इब्ने मुल्जिम है। ये इब्ने मुल्जिम यहां क्या कर रहा था? नहीं, जब कूफा फतह हुआ था तो साद इब्ने अबी वक्कास ने हुकूमती बिल्डिंग बनाई थी जिसे दारुल इमारा कहते हैं। वो दारुल इमारा ऐसा था जिसमें सब चीजें मौजूद थी, उसी में कैदखाना भी था जो मुजरिमों के लिए होता था। उसी कैदखाने में लाके इब्ने मुल्जिम को रखा गया, सर्द दूध लाके दिया गया ताकि ये जख्म भी मुंदमिर हो और जहर की शिद्दत से जो प्यास का गलबा है वो भी कम हो और जहर का असर भी कम। दूध पीते पीते एक फरियाद किया, ए हसन ये लो मैंने दूध पी लिया, ये बकिया दूध ले जाके इब्ने मुल्जिम को दे दो। अरफिकू असीरकुम, देखो जिसे असीर बनाओ उससे नर्म रवैये से पेश आओ। जिसे असीर बनाओ उसके साथ नर्म रवैया कैसे आए? आप सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चों का जमाना है, जाना जिन बच्चों की माएं जिंदा हैं जाके अपनी माँ के हाथों को बोसा दिया तो उन्होंने तुम्हारे दिल में आने की मोहब्बत को जान लिया। अमीरुल मोमिनीन को लाया गया, कूफे में कोहराम मच गया, नन्हे नन्हे बच्चे चीख और फरियाद के साथ वाह अबता कर रहे, अली सबके बाप नहीं थे, ये सब जंगे सिफिन और जंगे नहरवान और जंगे जमल के शहादा के बच्चे थे जिनको अली ने बाप की मोहब्बत दी। और कुछ देर के बाद तबीब आया। तारीख का जुमला है नजारो, जैसे ही तबीब आया छोटे छोटे बच्चे तबीब के पैरों से लिपट गए। ए तबीब मेरे बाबा को बचा ले, ए तबीब मेरे आका को बचा ले, मेरा बाबा मर गया मुझे एहसास न हुआ, अगर अली दुनिया से गुजर गए तो हम जिंदा न बचेंगे। बच्चों की मोहब्बत लेके तबीब दाखिल बैठ हुआ। तबीब ने गोस्वंद के फेफड़े से एक रग निकाली और जख्मों का अंदाजा किया, बदल हो गया। एक रुख किया हसन मुजतबा की तरफ, ए हसन मुजतबा आप जहां तक हो सके इनके लिए दूध का बंदोबस्त कीजिए। एक रुख किया अली मुर्तजा की तरफ, या अली अब जितना हो सके जल्द वसीयत कीजिए, अब इस मरज से और इस जख्म से आपको निजात मिलने वाली नहीं है, अब ये आपकी मौत पर तमाम है। सुनिएगा, सुनो आदाब मस्जिद का मजलिस तमाम है, बच्चों सुनो, अली की नजर दिलाना तो कैसे दिलाना भाई। ये खबर जंगल की आग की तरह कूफे में फैल गई,
कि तबीब ने अली को दूध तजवीज किया है, बस अब जाता कोई कटोरे में, कोई प्याले में, कोई हर तरीके से अली के दरवाजे पर दूध लेके आ रहा है। ए मौला इस दूध को कबूल कर लीजिए, ए आका इस दूध को कबूल कर लीजिए। दूध इतनी काफी मकदार में हो गया कि अमीरुल मोमिनीन के फजल हसन मुज्तबा ने ऐलान करवाया, अब दूध की जरूरत नहीं है, अब दूध की जरूरत नहीं है। कि अभी कहके दरवाजा बंद करना चाहते थे कि एक बूढ़ी औरत को देखा जिंदगी के लिए, तो मैं जानता हूँ वही गोसपंद है जिसके दूध को बेचकर तुम अपना आजूका परवान करती हो। मैं यहाँ पर जिसके बाद कोई दुआ नहीं करनी है, खुजा बहाल अली मुर्तदा कूफे में अभी इतनी गैरत बाकी है, भाई एक दुआ कर लेते हैं यहाँ पर मस्जिद तमाम होने से पहले। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, गुरूब का वो करीब है, ए मेरे अल्लाह अली की फरियाद है वही इमाम ज़माना की फरियाद है, ए मेरे अल्लाह दुनिया के तमाम मजलूमों की फरियाद है, ए मेरे अल्लाह दुनिया में तमाम मजलूमों को सताया जा रहा है। मैं एक दुआ करते हैं सब लोग बाबा ने बुलंद आमीन कहिएगा, इमाम ज़माना की निगाह इन आंखों के ऊपर है, जब उनकी भूमि की बेमकदा चादरी का तस्करा आने वाला है, जब उनकी सकीना की बेमकदा चादरी का तस्करा आने वाला है, जले कुर्ते का तस्करा आने वाला है, मैं ये दुआ कर लीजिए सारी दुआ कबूल हो जाएगी। ए अल्लाह अली के शिजाब का सर का वास्ता, सकीना के जले कुर्ते का वास्ता, इमाम ज़माना के दुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के दुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के दुहूर में ताजील फरमा। ए बीबी, ए बीबी, अब दूध की जरूरत नहीं है। अरे सर झुका के बीबी कहती है, ए हसन इतना बता दो दूध किसके लिए चाहिए? बच्चे ही के लिए तो चाहिए, उसी को तो खाना खिलाने के लिए चाहिए। लेकिन क्या करूं जब से खबर मिली है तबीब ने कहा